नमस्कार, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इनडेप्थ में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर की बात है। एक तरह से अगर कहें तो मीडिया पे जो सवाल उठ रहे हैं आजकल, इसके निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे में भाग लेंगे हमारे सहयोगी अली अजहर अली, जो आपको बताएंगे अपनी राय इस बारे में। कितने साल से काम कर रहे हैं? चार साल से मीडिया में है। ये अपनी राय रखेंगे, चार साल में इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है और क्या मीडिया पे जो सवाल उठ रहे हैं उनके उस पे उनका क्या राय है। और हमारे साथ है आकांक्षा त्रिपाठी, अभी अभी शुरुआत हुई है इनकी कैरियर की, तो क्या सोच कर आई हैं, क्या लगता है इनका मीडिया का भविष्य और जो लोग कह रहे हैं वो कितना सत्य है और क्या है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं अली से। अली, आजकल जो चैनल है, अखबार है, जो लोग बाहर हैं वो ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैनल किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट कर रही है या किसी के कहे पे चल रही है, कहीं ना कहीं मतलब निष्पक्षता पर है वो सवाल है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को, कितना जायज है और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कितना सही उठा रहे हैं? रवि जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं अपने कॉलेज टाइम की बात करता हूँ, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमें पत्रकारिता के अंदर ये सिखाया जाता था कि जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन अब चार साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये देखने को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो जो एक पिलर है, जो खंभा जो है, चौथा खंभा जो डेमोक्रेसी का है, वो कहीं लड़खड़ाता नजर आ रहा है जो देश का। तो उसका रीजन भी यही है कि जितने अगर हम बड़े बड़े चैनल्स की, बड़े बड़े जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग बिके हुए हैं। मतलब मैं किसी पार्टी विशेष को उसमें पॉइंट आउट ना करते हुए मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके या फिर किसी बड़े लीडर के दबाव में आके वो लोग खबरें चलाते हैं या खबरें छापते हैं। तो अच्छा, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, जो निष्पक्षता पे सवाल वाली बात है, कहीं ना कहीं है, ऐसी चीजें सामने आ रही है, तो इसको किस तरह से जो जो लोग निष्पक्ष हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो उनपे भी सवाल है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी कोई बदनाम हो जाए, कहीं कोई भी घटना होती है, तो आसपास के लोग हैं, चाहे वो उस घटना में शामिल ना हो, लेकिन उनपे सवाल उठने लगता है, लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो इसको किस तरह से इससे दूर हुआ जा सके, जो लोग हैं वो कैसे चैनल का चुनाव करें या कैसे खबरों पे विश्वास करें तो उनको लगे कि हकीकत है और ये बिका हुआ है, बिका हुआ है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी इंसान का या किसी भी कंपनी का, अगर आप मीडिया की बात भी ना करें, किसी और दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, तो उनका काम दिखता है, ठीक है। काम पर ही लोग विश्वास करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के काम अंदर काम हम लोग करते हैं वो एक तरीके से वो अनबायस्ड है। हम लोग बिना किसी प्रेशर में आके काम करते हैं। हम लोग कोई स्टोरी ऐसी नहीं है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर के आपके दबाव में आके। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है, जो निष्पक्षता पे सवाल है लोगों, अभी आप फेसबुक पे या चैनल पे कहीं जो कमेंट आप पढ़ते हैं कि बिकॉम मीडिया है, ये पर्टिकुलर चैनल है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो जो आप कह रहे हैं कि किसी के दबाव में ना के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में ना जाके हम काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है तभी तो सवाल उठ रहा है ना? वो नहीं, ऐसा है और ऐसा हो भी रहा है जो बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें, लेकिन अभी भी ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे काम, मतलब जो बिना बायस होकर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा इस मुद्दे पे, लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े जितने मेनस्ट्रीम मीडिया है उनकी अगर बात करें, तो वो तो उनमें तो मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि हाँ, लोग एक निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आकांक्षा, आपकी अभी शुरुआत है, आप क्या सोचकर मीडिया में आई? बस ये मैंने सोचा था कि मीडिया जो है ना, उसको चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो मतलब मुझे, मैं चाहती थी कि मैं भी यहाँ पे आऊँ, और मतलब जो लोगों को सच दिखाने का एक जरिया होता है मीडिया पे, लोग बहुत भरोसा करते हैं। अगर अभी अगर टीवी पे खबर आने लगे कि अर्थक्वेक आया हुआ है, तो लोग बिना सोचे समझे, जिनको फील नहीं हुआ है ना, वो भी ये मान लेंगे कि हाँ, सच में अर्थक्वेक आया है, क्योंकि टीवी पे दिखाया हुआ है। मतलब लोगों का इतना ज्यादा भरोसा उस पे है, और मीडिया पे लोग इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो कई बार अपनी मतलब इधर उधर की चीजें ना देख के सिर्फ टीवी में देख के मान जाते हैं। तो मीडिया में आने का मेन मकसद ही था कि मैं चाहती थी कि मैं भी इस चौथे स्तंभ का पार्ट बनूं। अच्छा ठीक है, आप पार्ट बनना चाहती थी, बन भी गई है। हाँ। शुरुआत है आपकी। हाँ।
तो जो आगे आप देख रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, तो उसको देख के, जो जैसे आप कह रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा मीडिया पे भरोसा करते हैं, कोई खबर चले उसको फॉलो करते हैं और उसके आधार पे जो पूरी दुनिया की जानकारी जो जा रही है, तो यहाँ जो मिलावट वाली जो बात आ रही है कि हकीकत सामने नहीं आके मिलावटी जो खेल चल रहा है, वो अभी आप शुरुआत है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको आपके अपने फ्यूचर के लिए? अगर ऐसा कुछ होता है, लोगों का भरोसा मीडिया से उठता है, तो आपने अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे बिके हुए हैं। ऑब्वियसली हर फील्ड में कुछ ना कुछ कमी हर जगह होती होती है, और कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ अगर बिके हुए हैं, मैं कह नहीं सकती, कोई नहीं कह सकता, प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब खराब है। अभी भी यहाँ पे सच्चाई है, और ये बात सच है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें जिनका मतलब पूरी तरह से हम भरोसा कर सकते हैं। मीडिया अभी भी वैसी ही है, लेकिन कुछ होता है, कुछ लोग होते हैं खराब, इसका मतलब ये नहीं कि सब पूरी तरह से हम मीडिया को खराब बोल दें। अभी भी सच्चाई जिस तरह से पहले थी, जो जज्बा लोगों में पहले था, वो सेम अभी भी बरकरार है, और आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहे। अच्छा, आप अभी पढ़ाई भी करते हैं शायद साथ में, तो जो जो आपके ग्रुप में लोग हैं, जो जब उनके साथ आपकी बात होती होगी, उनके साथ आप बैठती होंगी, तो उनका जो आज का जो जनरेशन है, जो नए लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं, उनकी सोच क्या है और वो किस तरह से देख रहे हैं? जो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है, निष्पक्षता पे अगर सवाल उठ रहे हैं, तो ये उनके जहन में भी आता होगा, आपके जहन में भी आता होगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो लोग जो आप अपने ग्रुप में जब बैठती हैं, तो किस तरह से देखती हैं, क्या सोच होती है उनकी? हाँ, वो सब यही है कि अभी तो नए नए जब आते हैं, तो वो सीधी सी बात है कि इज्जत, बस लोगों में काम करने की वो मतलब उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। वो चाहते हैं कि हम सब बदल देंगे, हम जब जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आते आते सबका वही होता है ना कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पैसे की बहुत कमी होती है, पैसा नहीं मिलता टाइम पे, तो कुछ कुछ कई बार ऐसा होता है कि लोग इन सब चक्करों में, अपना घर चलाने के चक्कर में कहते हैं कि बिक जाते हैं, और मीडिया का जो चौथा स्तंभ है उसमें घुन लग जाता है, और उसका उसकी बदनामी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा जो ग्रुप है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं, अभी तक सब सब ये चाहते हैं कि अच्छे से काम करें, भले ही कम पैसे लें, लेकिन मतलब जो बोला जाता है मीडिया को चौथा स्तंभ, उसको स्टिल बरकरार रखें, आगे लोग ये ना बोले कि मीडिया बिकाऊ है, क्योंकि उससे बड़ा धब्बा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपका शुरुआत में जब मैं भी आया था, अभी 10-11 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, तो ये लगा था कि मैं जाऊंगा एकदम बदल दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब जाते हैं वहाँ तो कुछ होता नहीं है वैसा, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन आदमी को फिर उस ट्रैक पे चलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अभी वही मैं कह रही थी कि वो धीरे धीरे मजबूरी में लोग ये कि गलत कदम उठाने मजबूर होते हैं। गलत कदम नहीं, लेकिन कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो बॉसेस हैं, अभी सवाल बॉसेस पे सवाल उठाना सही नहीं, हम भी कहीं काज काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि दबाव बनाया जाता है कि आप इसी तरह से कवर करो इस खबर को और इस तरीके से दिखाओ। आप 4 साल से हैं अली, आपको कभी ऐसा लगा कि अभी 4 साल में जो आपका है, जो जर्नी रहा 4 साल का, उसमें आप मीडिया में कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले क्या तरीका था, अब क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? रवि जी, चेंजेस की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टोरीज करते थे, तो क्योंकि हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, तो हम चैनल से उसको टाई अप करके स्टोरी अपनी पब्लिश कराते थे, तो उन दिनों क्या होता था, चैनल हमारी जो स्टोरीज है उनको बढ़ चढ़ के उनको पब्लिश किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, 4 साल जैसे बीत गए, तो अभी ये देखने को मिलता है कि चैनल जो है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है या फिर कोई अखबार है बड़े बड़े, वो मना कर देते हैं साफ तौर पर कि हम इस खबर को हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि इसमें इस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस चीज से जाहिर सी मतलब साफ साफ जाहिर यही हो जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में आके मीडिया जो है इस तरह की बिकाऊ हरकतें करती है कि इस पॉलिटिशियन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको नहीं चला पाएंगे, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब खतरनाक हो सकता है, उसके फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, सवाल कुछ लोग जानना चाह रहे हैं जो लाइव हैं, अगर अभी फेसबुक पे, तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मीर खान ने पूछे हैं किस विषय पर चर्चा। मीर खान जी, ये चर्चा हमारे अंदर की बात पे है, अभी ये मीडिया कितना निष्पक्ष रह गया है, उसके निष्पक्षता पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, जो भी देख रहे हैं लाइव जुड़ रहे हैं, तो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि मीडिया कितना निष्पक्ष रह गया है, उस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं और ऐसा क्यों है, इस पे अगर आपका अपनी कोई राय है तो आप हमें दे सकते हैं। हाँ, ये जो आप कह रहे थे 4 साल में जो बदलाव हुआ, अभी एक एक फास्ट
चैनल फर्स्ट न्यूज कवर करने का कि सबसे पहले किसने किया, तो ऐसा कितनी बार ये देखा गया है कि ऐसी खबरें आई हैं कि जो खबर गलत भी हो, किसी एक ने छापा है, एक ने दिखा दिया, उसके पीछे पीछे विदाउट मतलब उसको प्रूफ किए हुए बिना उसको जाने तो उसमें क्या देखा जाता है कि एक खबर अगर कहीं फ्लैश हुई तो उस खबर को तुरंत सब लोगों ने उठा के फ्लैश कर दिया, ना तो उसके पीछे का रीजन जाना, ना ही उसकी रिसर्च की ऐसा वाकई में है या नहीं है, बस उन्होंने वहां से उठाया जो जो दूसरी जो पोर्टल्स हो गए या ऑनलाइन जो मीडिया है उसको उठा के, क्योंकि अपने जो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए अपने उस पर हम डाल देते हैं। लेकिन बात आती है उसकी विश्वसनीयता की, कि वो कितनी सच्चाई उस चीज के पीछे है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी उस खबर के लिए उस खबर के पीछे पूरी तरीके से रिसर्च की जाए और सच्चाई जानी जाए कि क्या है, तभी लोगों के अंदर उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, अन्यथा फिर वही होगा जो भी होता चला रहा है। ये सही है कि अपने आप को ज्यादा फास्ट दिखाने के लिए सबसे पहले खबर को ब्रेक करने के लिए इस आपाधापी में चैनल गलती कर जाते हैं। अभी हाल की घटना है जब ये जो हमारे दो जवान थे जिनको मार दिया गया और उनके बॉडी के साथ गलत तरीके से उन्होंने सर काट दिया, उसके बाद कुछ चैनल ने ये चला दिया और अखबारों ने भी कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करके साथ सैनिकों को मार दिया है, जबकि वो बाद में पता चला है वो खबर गलत थी। उससे पहले का ही एक और इंसिडेंट देख लीजिए आप, जब जो तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती जब उनका निधन हुआ तो दो दिन पहले ही जो 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 ऑनलाइन मीडिया है उन्होंने छापना शुरू कर दिया कि जयललिता नहीं रही, जबकि अभी वो उस वक्त वो वेंटिलेटर पर थी, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, मतलब जो हॉस्पिटल था उसने पुष्टि नहीं की थी कि वे नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में चलाना शुरू कर दिया और उनकी देखा देख जो बाकी जो ऑनलाइन मीडिया के जो पोर्टल सबने चलाना शुरू कर दिया, तो वही चीज है कि पहले उस चीज की पुख्ता रिसर्च की जाए कि ऐसा है भी कि नहीं है, हम हवा में दीप छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि ये जल्दीबाजी के चक्कर में ना जाया जाए, लेकिन आजकल वैसे ही है, बॉस भी होते हैं जो जो चैनल वाले हैं उनका है कि सबसे पहले अगर देखिए कोई अगर पहले कोई खबर चलाता है तो सबका यही होता है कि वो फिर उसको एक काट लेंगे पार्ट को और बोलेंगे सबसे पहले हमारे चैनल एक्सक्लूसिव सबसे पहले हमने दिखाया, तो ये टीआरपी की जो मारामारी है, टीआरपी की मारामारी हुआ है, अपने आप को बेहतर दिखाने की वजह से बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है। अच्छा, जो चीजें हो रही हैं आकांक्षा अभी आप जो देख रही हैं उसको कितना जांच मानती हैं फिर, या क्या करना चाहिए आगे, किस तरीके से विश्वास को बढ़ाया जाए, किस तरीके से और इसको बेहतर किया जा सकता है? आप नई आई हैं, नए आइडियाज होंगे आपके पास, तो क्या सोच है आपको इसको बेहतर करने? मुझे लगता है कि मीडिया चौथे पिलर के साथ साथ लोगों के लिए उनका घर चलाने का तरीका भी, क्योंकि लोग जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज जो है उनके लिए उनको एक अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मीडिया पे गवर्नमेंट का कोई भी वो रोक टोक नहीं है, तो इसमें क्या है कि जो चैनल वाले हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, और जो सैलरी का जो प्रॉब्लम होती है, सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, कई बहुत कम सैलरी देते हैं, काफी बहुत सारा काम कराते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है ना कि जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से, और एक इंसान अपनी ईमानदारी, लोग ये बोलते हैं कि कब तक ईमानदारी लेके हम चले, ईमानदारी से पेट नहीं भरता है, तो इन सब चीजों की वजह से जो है ना कि मीडिया जो है ना वो एक बिजनेस का जरिया भी बन चुका है। तो आपको आपको ये सैलरी को लेकर के बहुत शिकायतें, क्या है कि जब किसी भी फील्ड में जब लोगों लोग ज्यादा आ जाए, अभी जब इंजीनियरिंग का देख लीजिए, जब टाइम था जब क्रेज था इंजीनियरिंग का, आज सबसे बुरा हाल इंजीनियरों का है, ऐसे ही मीडिया में कि जजेस कम है और इंजीनियर कम है, लोग ज्यादा आते जा रहे हैं, वो जो ग्लैमर का चकाचौंध है उसमें खो जाते हैं, इस वजह से भी ऐसी परेशानी आ रही है। एक है ये दावा शेरपा, इनका कहना है कि व्हाई मोस्ट ऑफ मीडिया इज ओनली टारगेटिंग अपोजिशन पार्टीज एंड इज नॉट इक्वली क्रिटिकल ऑफ रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट, तो इनका ये मानना है कि लोग जो मीडिया है आजकल गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं। देखिए शेरपा जी, हम तो किसी को फेवर नहीं कर रहे, हम जो सत्य है वही दिखाते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं बात करते, हाँ कुछ हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीजों को बंद करने का यही तरीका है कि जिसको भी लगता है कि ये चैनल या अखबार या ये जो पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, वो सही खबर नहीं देता, तो आप मत देखिए ना, उसको कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर गलत खबर चला सही खबर चला इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मीर खान पूछते हैं, तो क्या टीआरपी खातिर आप कुछ भी करेंगे?
मीर खान जी, आजकल सिचुएशन ऐसा ही है, टीआरपी के खातिर ही लोग कुछ भी करने को तैयार है, बिजनेस बन चुका है। हाँ, और अच्छा, मीडिया मिलावट का मेन वजह बिजनेस भी कह सकते हैं, तो इसको किस, अच्छा कमाई भी करनी है, आप जो सैलरी की बात कर रही है, तो जो चैनल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा लगाएगा, जरूरी है कि वो पैसा कमाए, ऐसी सोच होगी, तो उसके लिए आप क्या कर, क्या आइडियाज है, क्या करना चाहिए कि रेवेन्यू आए और इस तरीके की चीजें ना हो, लोग आप टीआरपी की बात करें तो टीआरपी तो अगर आप सच्ची खबरें चलाएंगे और आप अच्छी खबरें चलाएंगे तो भी आएगी टीआरपी, लोग देखना पसंद करें उन्हें भी, लोग जानना चाहेंगे उन खबरों को भी जो सच्चाई जिंदा होगी, ऐसी बात है। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक तो मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रोक, गवर्नमेंट मतलब कुछ भी रोक टोक नहीं है मीडिया के ऊपर हमारे इंडिया में सर, तो उसमें उसका वो होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का, कि अगर कोई चैनल गलत खबर चलाता है या फिर कोई गलत चीजें दिखाता है तो उसको उसके पास नोटिस जाना चाहिए उस चीज के लिए, और उसको ना इस बोलना चाहिए कि आप गलत खबरें दिखा रहे हो, आप समाज को गलत तरीके से मतलब प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, और इस चीजों के अगर आप ऐसे करोगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, इस तरह की जब चीजें होंगी तो फिर चैनल में भी उनको डर रहेगा। और अभी कोई आकांक्षा ये ऑलरेडी है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से होता है, प्रेशर बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मीडिया का अपना एक दायरा है, क्या है कि जो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं या फिर जो ग्रुप है उनका एक अपना वो सेल्फ, उन्होंने एक दायरा बनाया हुआ है जिसके अंदर में रह के काम करना है, मीडिया में ये है, सरकार देखती है इन चीजों को, लेकिन अभी हो क्या रहा है, लोगों का मानना ये है कि उसको अपने पक्ष में लाने के लिए, जो सरकारें हैं उसको अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने फेवर में खबर चलाने के लिए मीडिया पे प्रेशराइज किया जाता है, तो ये हाँ आप जो कह रही है, नहीं आप जो कह रही है ना, उसकी वजह से वो गलत जा रहा है, काम गलत तरीके से हो रहा है। तो जो हम जो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, निष्पक्षता निष्पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में आके, दबाव में आके भी मीडिया झुक, ऑर्गेनाइजेशन झुक के और किसी पर्टिकुलर सरकार की तरफ वो काम कर रही है, जैसे अभी कुछ करना चाह रहे हैं। भाई यही तो विडंबना है हमारे जो मीडिया है, देश की जो मीडिया है उसकी विडंबना यही है कि जो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर लगाम लगाई जाए तो लगाम लगाने के लिए भी वही लोग बैठे हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए जैसा उनका मन चाहता है, जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया है जैसा उनका मन चाहता है वो करते हैं, क्योंकि जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं के अपने लोग हैं, तो उन्हें किसी का डर भी नहीं है, जाहिर सी बात है, इसलिए थोड़ा उनको ज्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऊपर से ही उन लोगों को बढ़ावा मिल चुका है इस चीज का। तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अगर मीडिया पर सवाल है तो आप भी मीडिया से जुड़े हुए जी, आप भी आएंगे नहीं तो सवाल हम पे है सीधा, अभी हम आप कहीं जाते होंगे या ऑफिस आ रहे होंगे, रास्ते में भी कितनी बार होता है फलाना चैनल तो फलाने का है, वो भी गया है, वही बात है ना कि जो कहते हैं कि गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है, तो वही सीन हो रहा है आजकल। हाँ, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जब हम कहीं जा रहे हो तो ये नहीं बोल पाते कि हम भी मीडिया से, ऐसा डर लगता है कि वो फिर वो सवाल नहीं करेंगे कि ये तो सब बिके हुए हैं, तो अली ऐसा क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि वो कोई प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर लोगों को ना लगे कि कहीं से दबाव बना के या फिर कोई चैनल पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए कि अगर आप किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है वह गाइड करने के लिए है कि कहीं पे कुछ हैपनिंग हो रही है तो उसके बारे में लोगों को बताएं, लेकिन अगर उस चीज को मैनिपुलेटिव वे से अगर वो लोग दिखा रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्ती से गवर्नमेंट को पेश आना चाहिए, ठीक है, और चैनल्स को भी अपनी जो उनकी जो एक अहमियत है, उनका जो रोल है सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर, उसको समझना चाहिए कि हमें सच्चाई के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए, देश के हित के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, अभी जो भी चैनल है, अभी टीआरपी की जो मारामारी है, सबसे तेज जो बनने का खेल है, उसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसा कि खबर, वो तो खैर चैनल का अपना वो होना चाहिए स्टैंडर्ड की जो खबर पुष्टि ना हो जाता, जब तक कंफर्म सोर्स से ना हो तब तक ना चले, तो ऐसा क्या हो, एक ऐसा क्या बने जो गलत खबर ना चले, अगर गलत खबर चल कोई चैनल चलाता है लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है, अगर आप कोई चैनल गलत खबर चला रहे हैं तो मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आपके अनुसार चैनल के अंदर क्या होना चाहिए, बाहर सरकार हो या फिर जो भी है इनसे जुड़े लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए मैं वही बोलना चाहूंगा कि विश्वसनीयता जो है, जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखें, इस तरह के काम नहीं किए जाने चाहिए कि जो भी अगर आप
ठीक है, टीआरपी अगर आपको चाहिए तो टीआरपी अच्छी खबरों से भी आती है, अगर आप सच्चाई जनता को दिखाएंगे, सच्चाई जनता के सामने लेकर आएंगे तो उससे भी टीआरपी आएगी। ऐसे तो नहीं है कि अगर मैं आपको एक सच्ची खबर दिखाऊं और जो कि 100% ट्रू भी तो लोग नहीं देखेंगे उसको, ऐसा तो नहीं है कि जब तक मैं उसमें मसाला नहीं डालूंगा, झूठ नहीं बनाऊंगा उसको तभी लोग उसको देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको सच्चाई दिखाएंगे वो भी लोग देखेंगे और टीआरपी उससे भी आएगी, तो क्यों ना फिर अच्छे काम करके टीआरपी लाई जाए अपने चैनल के अंदर। आकांक्षा, जो ये मसाला लगा के खबरों को पेश करने का जो तरीका है वो, या फिर एक सीधी सपाट खबर दिखाई जाए, जो खबर होता है एज इट इज उसको दिखाई जाए, इसमें दर्शक जो है, आपको क्या लगता है कि ये दर्शक की डिमांड है कि वो ऐसी खबरें देखना चाहते हैं कि मसाला लगा के दिखाई जाए तभी उनको पसंद है, या फिर सीधी सपाट खबर दिखाई जाए वो पसंद है? वैसे ज्यादा चंद लोग यही मान रहे हैं कि मीडिया जो लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं जो देखने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी भी गलती कहीं ना कहीं है कि वो शायद, कुछ लोग ऐसे हैं जो मसालेदार खबरों को ज्यादा तरजीह देते हैं, कोई भी नॉर्मल खबर है उसको नहीं देखते, लेकिन अगर वही मसाला लगा के और उसको थोड़ा स्पाइसी बना के पेश किया जाए तो देखते हैं। इस बात को आप कितना मानते हैं? देखिए, मैं औरों का तो नहीं कह सकती, पर मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मसालेदार खबर मुझे तो नहीं पसंद, मुझे सीधी सीधी खबर पसंद। एक लाइन में मुझे कोई बोल दे कि यहाँ पे ये हुआ है, सिंपल सिंपल, वो ठीक है, एकदम परफेक्ट है, और मैं दूसरों का नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, ये सच है कि लोगों को मसालेदार खबरें पसंद होती है, क्योंकि मतलब अब फिर उस चीज का लोगों, अब मीडिया में उस चीज का फायदा ऐसे उठाया जा रहा है कि अगर सीधा सीधा नॉर्मल खबर लिख देंगे तो हमारी कोई खबर देखेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, उसमें थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे, घुमाएंगे, और जो मेन बात है वो थोड़ा लेट खाएंगे, तो मतलब उनको जो है ना, उनको व्यूअर्स ज्यादा मिल जाएंगे, सस्पेंस बना के चलेंगे तो उनको टीआरपी उनके चैनल को मिलेगी, और लोग ना ये क्वेश्चन मार्क लेके चलेंगे कि आखिर है क्या, ये सोच के वो खबर देती है। और कई बार ऐसा, तो फिर देखने के बाद मैंने भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अब ये था ये, हाँ ऐसा होता है, तो मतलब उससे टीआरपी, मुझे तो लगता है कि टीआरपी बढ़ती है। अगर आपकी खबर मतलब नॉर्मल स्ट्रेट खबर है, आप उसको घुमा घुमा के मसाला लगा लगा के अगर पेश कर रहे हैं तो उससे कुछ ही देर के लिए हो सकता है लोग सोच में पड़ जाए क्या बात है, पता फिर उनके देखें, लेकिन बाद में फिर उनको भी एहसास होता है कि ये तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है, और फिर अंदर खबर कुछ नहीं है, हेडिंग ऐसा बना दिया कि लगे पता नहीं क्या है, तो उसमें लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? कुछ ऐसे वाकई हुए जो लगा आपको गालियां पड़ी ऐसी खबर पे? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे जिस तरह से बोला जाएगा उसी तरह से मैं आगे काम करूंगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं औरों का देखती हूँ, टीवी चैनल्स में मैं कई बार देखती हूँ, खबरें आ रही होती है तो उसमें ऐसे लाइन लिखा होता है कि 6 बजे ऐसा आएगा, 6 बजे ये वाली बात पता चलेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर बाद में 6 बजे लोग इंतजार करते हैं कि जल्दी से 6 बज जाए, हमें पता चले बात क्या है। तो जब उसको पूरा, जब वो देखते हैं लोग, तो समझ में आता है कि अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये सारी सिर्फ घुमा फिरा के वो कुछ भी है ही नहीं, छोटी सी बात थी कि वही राई का पहाड़ बना देने वाली बात हो जाती है। तो कोई चैनल, मान लीजिए एक कोई चैनल ऐसा काम कर रहा है, कोई अखबार या जो वेब पोर्टल ऐसा कर रहे हैं, तो एक बार करेगा तो आदमी एक बार बिल्कुल बन सकता है, तो दूसरी बार तो नहीं बनेगा ना, तो उसके लिए ऐसा कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ने वाले हैं उनका इंटरेस्ट देख के ही ऐसा हो रहा है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें? मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज भीड़ का हिस्सा ना बने, ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर आप कुछ खरीदने के लिए भी जाते हैं, आप अगर एक बार खरीदेंगे उसकी उसकी चमक धमक देख के, उसके एडवर्टीजमेंट का जो तरीका उसको देखकर आप खरीदेंगे, लेकिन जब घर पे आए आपको उसमें मिलती है मिट्टी, तो जाहिर सी बात है आप दूसरी बार उसको देखकर नहीं जाएंगे। तो सेम चीज मैं मीडिया के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई खबर जहां से अच्छी मिलती है, मतलब हेडलाइन उसकी अगर आपको अच्छी मिलती है या आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये बहुत मसालेदार खबर है, आप जब उसको खोलते हैं तो आपको उसमें क्या मिलता है, मतलब एक मिट्टी मिलती है, रद्दी मिलती है, कुछ नहीं मिलता उसके अंदर। तो प्लीज इस तरह की जो 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 खबरें लोग छापते हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी खबरें बनाते हैं, उनका प्लीज उनका बायकॉट करें, और जो आपको एक अच्छी खबरें, सच्ची खबरें दिखाते हैं जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, जिनकी विश्वसनीयता पे आप, जो आपकी विश्वसनीयता पे खरे उतर सके, प्लीज उनकी खबरें आप लोग पढ़ें, और यही तरीका है जो जो मीडिया है उसकी जो निष्पक्षता है उसको दूर करने का। तो हम आज चर्चा कर रहे थे, हमारे अंदर जो चीजें उठ रहे, सवाल उठ रहे, जो हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पे सवाल उठ रहे हैं, आज जो मीडिया पे लोगों के निशाने पे कहा जा रहा है कि ये इस पार्टी से है, उस पार्टी से है,
तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप भी इसमें दोषी हैं, आप ऐसे चैनल का चुनाव कीजिए जो निष्पक्ष खबरें दिखाए। आप अपना दिमाग लगाइए, जो कह रहे हैं उस पे मत जाइए। बहुत आपके सामने कितनी बार ऐसा हुआ है जो खबर कुछ और है और किस तरीके से पेश किया गया है, तो आप अपने दिमाग से, अपने तरीके से उसको अपनी समझ से देखें। अगर आप लोगों ने देखना बंद कर दिया, ऐसे जो चैनल है जो निष्पक्ष नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर कोई उसको देखेगा ही नहीं, उनकी टीआरपी ही नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, वो ऐसी खबरें नहीं चलाएंगी। तो आप में वो ताकत है कि आप इन चीजों को बदल सकते हैं। अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो सवाल मीडिया पर तो है ही, जो देखने वाले लोग हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सवाल है। तो मीडिया अगर नहीं बदल रही है, मीडिया खुद से अगर जो लोग हैं वो नहीं बदल रहे, तो जो जनता है वो बदल सकते हैं इन चीजों को। जो व्यूअर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इन चीजों को बदल सकते हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आपको क्या देखना है, नहीं देखना है। अगर अच्छी खबरें देखना चाहते हैं तो उनको देखिए जो निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। बाकी अगर मसालेदार खबरें ही चाहिए और जो चल रहा है उसी को चलते रहने देना चाहते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। आज इंडेप्थ लाइव में इतना ही। शुक्रिया अली, आपने जो आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। और अगर आकांक्षा, जो सैलरी और बाकी चीजें हैं जो है, वो अगर आप मीडिया में काम करें तो वो देखना ठीक है, लेकिन जो भीड़ का हिस्सा है, बाकी लोग कर रहे हैं मीडिया और में जो दबाव वाली बात है वो ठीक है, लेकिन आप फ्रेश हैं, आपके पास फ्रेश आइडियाज हैं, तो आप अपने आइडिया से लोगों को बताइए, दिखाइए, जो जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल को दूर कीजिए और निष्पक्ष मीडिया को निष्पक्ष बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये तो ह्यूमन नेचर है कि वो जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करते कई बार लोग। ऐसा होता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ लगी है ना, अगर कोई ठेली भी होगी ना, आलू किसी, टमाटर किसी भी चीज की, वो रद्दी भी भर के बेच रहा होगा ना, तो भी लोग ये सोच लेंगे भीड़ यहाँ है तो मतलब ये अच्छी चीज होगी, भले ही वो अच्छी चीज साइड में लगी हुई उसे इग्नोर कर देंगे। ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसे इसे नहीं बदला जा सकता। और मीडिया में जो निष्पक्षता की बात है, आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो ऐसी चैनल्स को टीआरपी क्यों दे रहे हैं, जब उन्हें पता है कि वो चैनल नहीं सही से काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो उधर के जब व्यूअर्स कम हो जाएंगे और जब ये बात मानते हैं कि ये चैनल या फिर ये वेबसाइट या कुछ भी या न्यूज पेपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको देखना छोड़ दें, उसको फॉलो करना छोड़ दें। इस तरह से क्या होगा कि जो बचे अच्छे लोग हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो मीडिया का मतलब समझते हैं, ये समझते हैं कि मीडिया का काम होता है खबर दिखाना और लोगों को सच्चाई तक सच्चाई से रूबरू कराना, अगर ये सब चीजें लोग जानते हैं, वो उनका सपोर्ट ना करें तो ज्यादा बेटर होगा कि मतलब उनका भी योगदान हो जाएगा इस चीज। बिल्कुल, अगर लोग देखेंगे नहीं, अगर लोग देखेंगे नहीं वो बात आगे बात जाएगी नहीं, तो आप चाहे जो भी खाते रहो तो बढ़िया ये है कि उंगली उठाने से क्या होता है ना, कई बार जो गलत लोग हैं उनके ऊपर तो चलो उनके उनके लिए तो सही है, लेकिन जो सही लोग हैं उनको उंगली उठ रही है, तो आपके आप पे भी सवाल उठ रहा है कि आप बिना बचे दूसरे लोगों को हर्ट करें, जो सही है उनको भी हर्ट हो रहा है इस चीज का। तो इससे बढ़िया ये कि सभी लोग सपोर्ट करें और ऐसे चैनल को देखना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जो रद्दी वाला और भीड़ वाले, जो ज्यादा जहाँ भीड़ लग रही है रद्दी वाले के पास, आप जो जो अच्छी चीजें हैं उसको दिखाएंगे और समझ के उस भीड़ को समझाएंगे। आप फ्यूचर है मीडिया की, तो उम्मीद है कि आप बेहतर ही करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, धन्यवाद।